Hello students, today we are going to discuss fourth colligative property, which is osmotic pressure. It is the fourth colligative property and last colligative property we have discussed. Osmotic pressure understand karne ke liye aapko pehle osmosis samajhna hoga ki what is osmosis, then we have to move on the topic osmotic pressure and why it is colligative property as we have discussed लास्ट थ्री प्रॉपर्टीज. तो ऑस्मोसिस क्या है? देखिए, ये हमने यहां पर एक्सपेरिमेंट ड्रॉ किया है. ये एक कंपार्टमेंट है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है थ्रू सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन. इसमें वन साइड सॉल्वेंट है, वन साइड सॉल्यूशन है, दो मूवेबल पिस्टन्स लगाए हुए. पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन. सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन ये वो चीज होती है जिसके थ्रू सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो हो सकते हैं, सॉल्यूट मॉलिक्यूल फ्लो नहीं होते, उसे कहते हैं सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन. सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन और पार्चमेंट पेपर कहते हैं. ये मेम्ब्रेन कवरिंग ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, इन सब में प्रेजेंट होती है. नेचुरली काफी होती है और आर्टिफिशियली भी हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कॉपर फेरोसाइनाइड CuFeCN6, ये एक है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड यूज करते हैं. तो अलग अलग तरह के पार्चमेंट पेपर और सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन होते हैं. इनका यूज ये है कि इसमें सॉल्वेंट फ्लो होता है, सॉल्यूट फ्लो नहीं होता. अब ये तो की बात सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन की, हम आते हैं व्हाट इज ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस में क्या है? जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन है, इसके एक साइड कंपार्टमेंट में प्योर सॉल्वेंट है, एक साइड कंपार्टमेंट में सॉल्यूशन है. होता क्या है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो करते हैं फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन. यहां पर देखिए प्योर सॉल्वेंट है और यहां सॉल्यूशन है. सॉल्यूशन मींस इट कंटेन, फॉर एग्जांपल हम ले लें सॉल्ट एंड वाटर, मींस यहां 100% सॉल्वेंट नहीं है. जबकि यहां पे क्या है, 100% सॉल्वेंट है. तो सॉल्वेंट फ्लो करेंगे फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन. इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं. ऑस्मोसिस मींस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल from higher concentration to lower concentration is called osmosis. Osmosis के हमारे daily life में बहुत सारे example हैं कि osmosis कैसे होती है. जैसे आपने देखा होगा कि जो vegetable vendors होते हैं, ये constantly अपनी vegetables के ऊपर पानी का छिड़काव करते हैं. उसका reason क्या है? क्योंकि osmosis through जो water है वो अंदर enter करता है, vegetable fresh और ताजे दिखते हैं. दूसरा एग्जांपल है जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स रूट के थ्रू सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और अप टू टॉप तक फ्लो कराते हैं, वो भी ऑस्मोसिस का ही एग्जांपल है. क्योंकि जो प्लांट्स हैं इनके अंदर वाटर का सॉल्यूशन होता है, जबकि बाहर सॉइल में क्या है, वाटर अकेला है, सॉल्वेंट अकेला है, तो वो उसके अंदर फ्लो होता है. दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं किशमिश का. किशमिश सूखी होती है, आप घर पर लाइए, उसको पानी के बाउल में ढक दीजिए, वो स्वेल कर जाएगी. किशमिश के अंदर क्या है? अंदर है शुगर सॉल्यूशन, बाहर क्या था? प्योर सॉल्वेंट. सॉल्वेंट मूव किया फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उस चीज को हम कहते हैं ऑस्मोसिस कहते हैं. ऑस्मोसिस जो है इसके बड़े सारे मतलब यूजेस हैं, बड़े सारे एग्जांपल्स हैं, आप यूज के मतलब जो है स्टडी कर सकते हैं. तो सिंपली आपको यहां पर क्या याद रखना है, ऑस्मोसिस मींस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम higher concentration to lower concentration or from pure solvent to the solution. From pure solvent to the solution it is called osmosis. अब osmosis आपको clear हो गई, तो osmotic pressure क्या होता है उस पर बात करते हैं. देखिए जैसे हमने बात की, यहां क्या है, अकेला solvent है. solvent कहां flow क्या रहा है, towards solution. जब यहां पे आएगा तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम इंक्रीज जब होगा तो ये पिस्टन बाहर मूव करेगा, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है. हमने इस पर इतना प्रेशर अप्लाई करना है कि इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज ना होने पाए. इस पर हमने प्रेशर अप्लाई करना है कि वॉल्यूम इंक्रीज ना होने पाए, उस प्रोसेस को या उस प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं. अब डेफिनेशन वाइज अगर बात करें तो क्या हुआ, प्रेशर applied to prevent the flow of solvent from higher concentration to lower concentration. Pressure applied to prevent the flow of solvent
from higher concentration to lower concentration, and osmotic pressure is represented by pi. Pi से represent करते हैं. अब देखिए यहाँ पर जो pressure है, इसकी वजह से आ रहा है, जो आपका यहाँ से solvent flow हो क्या रहा है, उसमें से यहाँ solution उनकी मतलब जो है volume increase हो रहा है, तो pi जो है, ये directly proportional to concentration. क्योंकि ये solution concentrate से move कर रहा है toward dilution. तो pi is directly proportional to C, और हम इसको लिखते हैं pi is equals to C R T. R is gas constant and T is temperature. अब pi is equals to C होता है number of moles of solute divided by volume into R and T. तो आप इस तरह से लिखते हैं pi is equals to number of moles of solute divided by volume R T. C को हमने number of moles divided by volume लिख लिया. क्या बन जाएगा next ये? Pi is equals to Nb को हम लिखते हैं Wb upon Mb, mass of the solute upon molecular mass. ठीक है जी. अब हमें calculate करना है Mb, तो Mb is equals to हो जाएगा Wb Rt upon Pi V. ये हो गया formula for the calculation of molecular mass of the solute with the help of osmotic pressure. तो osmotic pressure is pressure applied to prevent the flow of solvent from higher concentration to lower concentration, and pi directly proportional to C, or pi is equals to C R T. R is gas constant and T is temperature. Now, why it is a colligative property? It is a colligative property because it depends on the concentration. कंसेंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है, इसको हम क्या कहेंगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे. जैसा हम पहले बात कर चुके हैं, कंसेंट्रेशन मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर. तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या थी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोस प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट. तो हमने जो लास्ट फोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस की हैं, फर्स्ट की थी हमने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकंड की थी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, थर्ड थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड फोर्थ इज ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसका ये केस था, तो आप इजीली मतलब यह समझ सकते हैं व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड. ऑस्मोटिक प्रेशर जो है इसका यूज हम करते हैं एक जैसे इंटरवेनियस इंजेक्शन. जो इंटरवेनियस इंजेक्शन होते हैं उसमें NaCl की जो स्लाइम जिसे हम कहते हैं स्लाइम का यूज किया जाता है, उस स्लाइम में या स्लाइम ड्रिप जो होती है उसमें NaCl की कंसंट्रेशन होती है. देखिए NaCl की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखना होता है. एक चीज है इसमें और, देखिए अगर जो है दो सॉल्यूशन है और उन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, pi A is equals to pi B, तो इस तरह के सॉल्यूशन को आइसोटॉनिक सॉल्यूशन कहते हैं. आइसोटॉनिक सॉल्यूशन कहते हैं. तो आइसोटॉनिक सॉल्यूशन क्या होंगे? आर दो सॉल्यूशन व्हिच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर कॉल्ड आइसोटॉनिक सॉल्यूशन. एंड इफ अ सॉल्यूशन हैज हायर ऑस्मोटिक प्रेशर देन द अदर, तो हायर को हम कहते हैं हाइपरटॉनिक और लोअर को कहते हैं हाइपोटॉनिक कहते हैं. जैसे मैं आपसे कह रहा था अभी कि जो इंटरवेनियस स्लाइम ड्रिप होती है उसमें NaCl की कंसंट्रेशन हमें 0.91% रखनी होती है. इफ कंसंट्रेशन ऑफ NaCl इज 0.91% देन द सॉल्यूशन इज आइसोटॉनिक टू ह्यूमन ब्लड, देन द सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज आइसोटॉनिक टू द ह्यूमन ब्लड. और उस केस में सॉल्यूशन जो है मतलब जो हमारे RBCs हैं न स्वेल करेंगे न श्रिंक करेंगे. But if concentration is less than 0.91%, then it is hypotonic to the blood. And hypotonic वाले केस में क्या होगा कि जो हमारे RBCs हैं उसमें endoosmosis होगी और उसकी वजह से वो swell कर जाएंगे और burst कर सकते हैं. लेकिन अगर उससे हम ज्यादा रखते हैं तो उसमें hypertonic होगी और hypertonic में exoosmosis होगा और cell जो है वो shrink कर जाएंगे. तो बहुत इसमें जो है प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है कि आपको जो कंसंट्रेशन है वो 0.91%
मेंटेन रखनी होती है। तो एक ये एग्जांपल आपको याद रखना है इंटरवेनियस स्लाइम ड्रिप का, स्लाइम ड्रिप का जो पेशेंट को यूज करते हैं। उसके बाद एक इसमें होती है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब ये होता है देखिए कि अगर हम प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, मैंने क्या कहा आपसे कि प्रेशर अप्लाई टू प्रिवेंट द फ्लो, मतलब आपको फ्लो रोकना है, लेकिन अगर हम प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा अप्लाई कर दें, उस केस में क्या होगा कि यहां जो सॉल्वेंट है वो मूव करना शुरू हो जाएंगे टुवर्ड प्योर सॉल्वेंट, मतलब लो कंसेंट्रेशन टू हाई मूव करना शुरू कर जाएंगे। दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। आप सभी घरों में, सबके घरों में यूज आजकल हम करते हैं आरओ सिस्टम। आरओ इज एक्चुअली रिवर्स ऑस्मोसिस, जो हम वाटर को प्यूरिफाई के लिए यूज करते हैं, उसमें सॉल्ट्स वगैरह को सेपरेट करने काम यूज करते हैं, या जो सी वाटर से सॉल्ट की प्रिपरेशन होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रिपरेशन होती है, वो भी रिवर्स ऑस्मोसिस का ही एग्जांपल है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब हुआ इफ प्रेशर इज मोर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर देन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन, दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। अच्छा, ये जो इक्वेशन है पाई इक्वल टू सी आर टी वाला, ये हमें वेंट हाफ ने दिया था, इसको इसलिए हम क्या कहते हैं वेंट हाफ इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक पहली बात। तो ये सारी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का हम यूज करते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट कैलकुलेट करने के लिए। जैसे ये फॉर्मूला हमने बनाया, हमने सभी में देखा पिछले चारों में कि हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ using colligative properties। लेकिन colligative property को apply करने के लिए conditions क्या थी, हमने discuss की थी। तो पहली condition थी कि जो हमारा solute है वो non-volatile होना चाहिए, दूसरा dilute solution होना चाहिए, and third association and dissociation नहीं होनी चाहिए। ये conditions हमने discuss की थी। अब इसमें एक चीज आपको और मतलब कई बार question आपको पूछा जाता है कि why osmotic pressure is best method to calculate molecular mass of the polymer or protein। तो उसका reason ये है कि molecular mass तो हम सभी method से calculate कर सकते हैं, but in case of macromolecule like protein, osmotic pressure is the best method to calculate molecular mass of the protein। उसका रीजन ये है कि अगर हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का यूज करते हैं तो उसमें आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, भाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, और टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा कि जो डीनेचुरेशन है बायोलॉजिकल पॉलीमर्स की वो होती है, इसलिए एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट हम उस केस में यूज नहीं कर सकते। और दूसरा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट जो है इसमें स्मॉल वैल्यूज आती हैं और उसकी वजह से भी हम इन प्रॉपर्टीज को यूज नहीं करते हैं पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए। बहुत लो वैल्यू तक ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब 10^-3 एटमोस्फियर तक हम ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वजह से इन केस ऑफ पॉलीमर्स वी हैव यूज ऑस्मोटिक प्रेशर टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द पॉलीमर और प्रोटीन। तो ये चीजें थी सारी आपकी रिलेटेड टू ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट हम मूव करेंगे कैलकुलेशन और न्यूमेरिकल जो है बेस्ड ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर। फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर, एट 300 केल्विन 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन अ लीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 4.98 बार। इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.52 बार एट द सेम टेंपरेचर, व्हाट वुड बी इट्स कंसंट्रेशन। मींस देयर आर टू केसेस। फर्स्ट इज मास ऑफ द सॉल्यूट इज 36 ग्राम प्रेजेंट इन अ लीटर ऑफ वाटर, वॉल्यूम इज 1 लीटर, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज 4.98 बार एंड टेम्परेचर इज 300 केल्विन। क्वेश्चन इज इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर मींस दिस प्रेशर
is raised to 1.52 bar, then what is the concentration of the solution which we have to calculate? तो इसमें देखिए आपको सबसे पहले यहां पर ये वैल्यूज पुट करते हैं. फॉर्मूला हमारे पास क्या था, एम बी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू पी आर टी अपॉन पाई वी. ये है फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट विद द हेल्प ऑफ एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट. तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, मॉलिक्यूलर मास आपको ग्लूकोज की वैल्यू है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज इज 180. ग्लूकोज इज C6H12O6. तो 180 इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी इज 36 आर एस सच रखते हैं, टी एस रखते हैं, सेम टेम्परेचर का है. पाइप इन दिस केस इज 4.98 एंड वॉल्यूम इज 1. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. In case of second, molecular mass again same 180. WB हम कुछ है हमें calculate करना है. R and T same होंगे and pressure becomes 1.52 and volume is again same equation number 2. ठीक है जी, दोनों को equate कर देते हैं. दोनों को equate करेंगे, ये भी 180 ये भी 180 equal हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, WB RT divided by 1.52 is equals to 36 RT divided by 4.98. अब देखिए RT RT cancel, तो WB is 36 into 1.52 divided by 4.98 and which is come out to be 10.987 gram per liter. तो concentration comes out to be 10.987 gram per liter. Very easy numerical, simple सी चीजें हैं, वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, कैलकुलेट करना है. देखिए इसमें न्यूमेरिकल इस चैप्टर में जैसे मैंने पहले भी कहा था आपसे कि ज़्यादा है और इजी है, और पेपर में भी एक न्यूमेरिकल इस टॉपिक से या इस चैप्टर से होता है नॉर्मली, वन और टू भी न्यूमेरिकल हो सकते हैं. बट ये है कि ऑन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वन न्यूमेरिकल जो है नॉर्मली होता ही है पेपर में बोर्ड के, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको आना चाहिए न्यूमेरिकल क्या है, और इजी भी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इजीली सिंप्लीफाई हो सकते हैं. तो देन वी गो ऑन न्यूमेरिकल नंबर 2. सेकंड न्यूमेरिकल इज कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल्स एक्सर्टेड बाय अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर ऑफ मॉलिक्यूलर मास 185000 इन 450 मिलीलीटर ऑफ वाटर एट 37 डिग्री सेल्सियस. देखिए वी हैव टू कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर, मींस द वैल्यू ऑफ पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई. WB मास ऑफ सॉल्यूट इज 1 ग्राम, सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर and molecular mass of the solute is 185000 and volume is 450 milliliter. Volume in case of osmotic pressure is always taken in liter because the value of R is 0.0821, then volume is divided by 1000. 450 divided by 1000 and it is in liter, and value of R 0.0821. then formula apply करते हैं. formula क्या है, MB is equals to WB RT upon pi and V. अच्छा temperature भी ले लेते हैं, temperature is 37 plus 273, it is 37 plus 30, 7 plus 30, 1, 310 Kelvin. Temperature is 310 Kelvin. So, molecular हमें निकालना है, pi is equals to WB is 1 gram, R is 0.0821, and temperature is 310 divided by
molecular mass is 185000 into volume is 450 divided by 1000. ठीक है जी, तो ये थ्री जीरो के साथ कैंसिल हो गया, दिस वन जीरो ये किसके साथ कैंसिल हो गया, तो पाई इज इक्वल टू आपके पास आ गया 0.0821 into 31 divided by 185 into 45 and this come out to be 3.057 10 to the power minus 4 atmosphere. But in question calculate the osmotic pressure in Pascal. तो पास्कल में कैलकुलेट करने के लिए 3.057 10 टू द पावर माइनस 4 इस वैल्यू को 101 इन 325 इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा पास्कल में और ये वैल्यू आ रही है आपकी टोटल कैलकुलेटर 30.976 पास्कल. ये आपका आ गया आंसर ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर. तो इस तरह से बहुत इजी न्यूमेरिकल्स है, सिंपली आप निकाल सकते हैं, चीजें बस आपको क्लियर होनी चाहिए. देखिए किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि हमने कैलकुलेट किया. इन केस ऑफ सॉल्यूशन अगर हम बात करें तो सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, गिवन क्या है, ऑन विच प्रॉपर्टीज मतलब किस प्रॉपर्टी को हमने अप्लाई करना है, जिसके अकॉर्डिंग भी हमें वैल्यूज कैलकुलेट करनी है. तो ये सारी चीज़ अगर आप ध्यान रखें तो बहुत ईजी न्यूमेरिकल्स हैं. ठीक है, तो ये आपकी फोर प्रॉपर्टीज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैलकुलेट हमने कर ली. इन चारों प्रॉपर्टीज में कुछ चीज़ें हैं जो हमने यूज नहीं की, जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे. जैसे हमने यहाँ पर कंसीडर किया था कि सॉल्यूट पार्टिकल्स शुड नॉट बी एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड, बट क्या हर केस में ऐसा पॉसिबल है? अगर आप सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो डिसोसिएट तो करेगा ही करेगा. अगर आप कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिनको सॉल्यूट यूज करते हैं तो एसोसिएट भी होंगे, तो अगर एसोसिएट और डिसोसिएट होते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है, वो हमने इसके नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक में डिस्कस करना है. इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है वो हमने एबनॉर्मल मोलर मास एंड देन हाउ वी कैलकुलेट यूजिंग एबनॉर्मल मोलिकुलर मास ये सारी प्रॉपर्टीज कैलकुलेट कैसे होंगी वो देखेंगे